नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है अप्रेंटिस के लिए। दोस्तों, यहाँ पर दोनों अप्रेंटिस के लिए पोस्ट निकल के आ चुकी है, जैसे कि ट्रेड अप्रेंटिस और दूसरा ग्रेजुएट अप्रेंटिस। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट है, चलो देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी सारी पोस्ट है, यहाँ पर स्टिपेंड क्या मिलने वाला है, कब तक अप्लाई करना है, फीस कितनी लगने वाली है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों, चलो देख लेते डायरेक्टली नोटिफिकेशन पे। दोस्तों, आप देख सकते हैं वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड की तरफ से निकला हुआ रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं ग्रेजुएट एंड ट्रेड अप्रेंटिस के लिए निकला हुआ है। आप चलो नीचे डिटेल्स में जान लेते हैं। टोटल पोस्ट है 1281, मतलब बहुत ज़्यादा पोस्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ट्रेड अप्रेंटिस के बारे में, तो ट्रेड अप्रेंटिस में कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी सारी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, मतलब COPA की पोस्ट यहाँ पर 219 निकल के आ चुकी है। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए यहाँ पर 28 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 250 पोस्ट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। फीचर के लिए यहाँ पे 242 पोस्ट है। मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पे 36 पोस्ट निकल के आ चुकी है। मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे 12 पोस्ट है। और मसून जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के होते हैं वहाँ पे 9 पोस्ट निकल के आ चुकी है। और पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए 16 पोस्ट है। सर्वेयर के लिए यहाँ पे 20 पोस्ट निकल के आ चुकी है। टर्नर के लिए यहाँ पे 17 पोस्ट है दोस्तों। और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ पे 76 पोस्ट है। और वायरमैन के लिए यहाँ पे 40 पोस्ट है। तो कुल मिला के ट्रेड अप्रेंटिस में 965 पोस्ट निकल के आ चुकी है, 965 पोस्ट। और दोस्तों, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे 101 पोस्ट है। और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे 215 पोस्ट है। कुल मिला के आप यहाँ पे देख सकते हैं 1281 पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर आपका BA BTEC किया होना चाहिए वो माइनिंग इंजीनियरिंग में। और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो आपका डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग या तो फिर माइन सर्वेइंग में। और दोस्तों, अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका ITI होना जरूरी है, NCVT या SCVT के इसमें रेवलेंट ट्रेड में। जैसे कि आप अगर मैकेनिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका ट्रेड मैकेनिक होना चाहिए, फिटर के लिए फिटर होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, इस तरह से। दोस्तों, यहाँ पे सैलरी मतलब स्टिपेंड की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9000 रुपये स्टिपेंड मिलने वाला है। और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे 8000 रुपये स्टिपेंड मिलने वाला है। दोस्तों, जो ट्रेड अप्रेंटिस है उसके लिए जो एक साल का कोर्स होता है उसके लिए 7700 स्टिपेंड है। और दोस्तों, जो 2 साल का ITI अप्रेंटिस है, मतलब ट्रेड अप्रेंटिस 2 साल का जिसने ITI किया, उसके लिए 8050 रुपये यहाँ पे स्टिपेंड मिलने वाला है। दोस्तों, एप्लीकेशन मोड पूरी तरह से ऑनलाइन रहने वाला, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर फीस कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब फ़ीस नहीं लगेगी। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स, मतलब 25 साल होना चाहिए। यहाँ पर एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स आपको रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई स्टार्ट होने वाला है 6 सितंबर को, मतलब अभी तक स्टार्ट नहीं हो चुका है, लेकिन 6 सितंबर से आपको यहाँ पे अप्लाई करना चालू हो जाएगा। और लास्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 सितंबर 2021 है, मतलब 21 सितंबर 2021 के पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना जरूरी है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से रहने वाला है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, आपका जो मेरिट है 10वीं का या तो फिर BE BTEC का, तो उसके ऊपर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ आपका स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेंट्स होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा फाइनल में। जब आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी तो उन लोगों को यहाँ पे मेडिकल एग्ज़ाम भी देनी होगी, और वहाँ पे मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों, एप्लीकेशन कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्रेंटिस लाइन मतलब वेबसाइट है, यहाँ पर लिंक दे दी है, वहाँ पर जाके आप क्लिक कर लीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद ही आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो ये ट्रेड के लिए है और ये ग्रेजुएट के लिए है। तो आप यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस देखना चाहते हो तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, चलो मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ, आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो जाएगा इस तरह से ट्रेड अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं नीचे आप देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि कैटेगरी वाइज कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी सारी पोस्ट निकल के आ चुकी है, जो कि मैंने आपको बताई नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट कितनी मैंने बताई, तो 965 है जो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एड्रेस है, बालापुर एरिया, चंद्रपुर एरिया, जो भी एरिया दिया है उसका एड्रेस पूरी तरह से दिया दिया है कि कहाँ पे आपको काम करना है, उसके हिसाब से आप नीचे देख सकते हैं ट्रेड कौन सा लगने वाला है क्वालिफिकेशन के तौर पर, ड्राफ्टमैन के लिए कौन सा ट्रेड रहेगा या इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन सा ट्रेड रहेगा, तो जो सेम रहते हैं वही ट्रेड रहेंगे। आप बाकी चीज़ें यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें दी गई। आप यहाँ पर स्टिपेंड चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया 1 साल ITI के लिए कितना है, 2 साल ITI के लिए कितना मिलने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आई होप आपकी समझ में आया होगा सारी चीज़ें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए,
ताकि उनको भी मालूम पड़े कि इस पोस्ट के बारे में। और दोस्तों अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, घंटा आएगा, उसको दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे नई वीडियो बना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नए जॉब से अपने नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।